हाय एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी पे। हम शंकर आईएएस एनवायरनमेंट सीरीज को कर रहे थे और उसके सेकंड पार्ट पे हम लोग पहुंच चुके थे और होपफुली आज अपना सेकंड पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो, लास्ट सेशन जो फ्राइडे को था, कल क्लास नहीं ली थी, इसी वजह से आज संडे को क्लास ले रही हूँ। अदरवाइज संडे को एनवायरनमेंट की क्लास नहीं होती है, लेकिन क्योंकि कल हम लोगों का लेक्चर मिस हुआ था, इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए आज हम अपनी संडे को वो सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप लोगों ने अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब यूजिंग रेफरल कोड रैंक 10। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही में आरती मैम की पर्सनल गाइडेंस का फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है वहाँ पर कॉल कीजिए और प्लस के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्या क्या फ़ायदे आपको प्लस पे मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। मीन्स कि आप अगर 2 साल का पैकेज लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 1 साल और 2 साल के फीस के बीच में केवल 7,000 रुपये का डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स अनअकैडमी प्लस आप लोगों को ऑफर कर रहा है। टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा, किसी भी मीडियम में आप पढ़ सकते हो। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वीकली टेस्ट, जितना भी एक वीक में सिलेबस किया है आपने उस अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस हर वीक टेस्ट होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। क्लास के साथ साथ आप अलग से डाउट क्लियरिंग सेशंस में भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड होगा और सीसैट भी इंक्लूड होगा, यानी प्री, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, तीनों ही लेवल की एक होलिस्टिक व्यू में, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू में आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी तैयारी का करने का मौका मिलेगा। तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, हम लोगों ने इंडियन बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स लैंडस्केप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या समझा था कि इंडिया के अंदर 2 रियाम्स हैं, 5 बायोम हैं, 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं और 25 प्रोविंसेस हैं। तो क्या होता है रियाम हमने देखा था, कैसे इंडिया 2 रियाम्स में बटा है, बायोम्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने देखा था 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स कौन से हैं और फिर हमने देखा था कौन कौन सी प्रोविंसेस कौन कौन से जोन में पड़ती हैं। उसके बाद हमने एनिमल किंगडम का डिवीजन किया था, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट वो थे जिनकी बैकबोन थी, इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनकी बैकबोन्स नहीं होती है। कौन कौन से होते हैं हमने ये समझा था, कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, वार्म ब्लडेड क्या होता है, ये हमने जाना था। जो मैमल्स हैं यानी जो इंसान है, ह्यूमन बींग है, वो वार्म ब्लडेड के अंदर आता है। उसके बाद सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझी थी हमने, फिर हमने इनवर्टिब्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स समझी थी, जैसे एनालिड, मोलस्कस, एकाइनोडम्स, प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोड्स, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट्स और एराकनिड्स, इन सब की क्लासिफिकेशन हमने समझी थी, इसके फीचर्स देखे थे। फिर हमने प्लांट को क्लासिफाई किया था, ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, एल्गी क्या होता है, फंगी क्या होता है, बैक्टीरिया, लाइकन, ब्रायोफाइट्स, इन सबको हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया था, ठीक है। और उसके बाद इंडिया की वेजिटेशन के बारे में भी थोड़ा सा देखा था। फिर हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया था, दैट वाज शेड्यूल एनिमल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें 6 शेड्यूल की बात हम लोगों ने की थी। पहले 4 के अंदर सारे एक्शंस प्रोहिबिटेड हैं और हाई पनिशमेंट होती है। फर्स्ट 2 में शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 के अंदर हाईएस्ट पेनल्टी है, 3 और 4 में पेनल्टी है लेकिन कंपैरेटिवली कम है। 5 वाले वर्मिन है, यानी उन लोगों की हंटिंग आप कर सकते हैं, उन एनिमल्स की हंटिंग आप कर सकते हैं जो शेड्यूल 5 के अंदर लिखे हुए हैं। और 6 जो था उसके अंदर प्लांट्स आते थे, वाइल्ड लाइफ प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए शेड्यूल 6 बनाया गया था। आज के सेशन में हमको एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में समझना है, दैट इज चैप्टर 12 ऑफ शंकर आईएएस एनवायरनमेंट 6th एडिशन बुक। जो लेटेस्ट एडिशन है उसका चैप्टर 12th जो होगा वो एनिमल डाइवर्सिटी होगा। इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे नाम हैं कि कौन कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन कौन एंडेंजर्ड है, कौन एनिमल्स जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, कौन थ्रेटन्ड कैटेगरी में है। अलग अलग आप लोगों को पूरी लिस्ट मिलेगी इस पूरे चैप्टर में, हमें वो क्रैम नहीं करनी है। मैं फिर दोहरा रही हूँ, इस बुक के अंदर जितने नाम हैं वो आपको याद नहीं करने है, रट्टा नहीं मारना है। वजह क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनते हैं यूपीएससी हमेशा जो करंट के अंदर स्पीसीज चल रही हैं सिर्फ उन्हीं से ही पूछेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, एनवायरनमेंट की करंट सेशन को देखो और करंट सेशन के अंदर क्या करना है आपको, करंट अफेयर्स में जितने भी बर्ड्स 1 साल के अंदर जिक्र के अंदर है उनके सिर्फ स्टेटस को याद रखना है, आपको सभी के स्टेटस को याद नहीं रखना है, ठीक है। तो बर्ड्स के माइग्रेशन, लेकिन जो चैप्टर 12 के अंदर, इस 12 के चैप्टर 12 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग कर लेते हैं, जो इन स्टेटस के अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम। बर्ड्स माइग्रेशन, आप देखते होंगे बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं विंटर में यहाँ से कहीं और चले गए, समर में कहीं और से कहीं और चले गए, मतलब क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते जाते हैं। क्या वजह होती है कि जितने भी बर्ड्स हैं वो माइग्रेट होते हैं, एडवर्स फैक्टर को अवॉइड करने के लिए। मीन्स कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ कूल क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर ही रहेंगे, तो जैसे ही उनके रीजन में समर सीजन आता है वो किसी ठंडी जगह पे खुद को ट्रांसफर कर लेते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। सेम केस अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में रहने वाले कोई बर्ड्स हैं
और वहाँ पे अगर कूल क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाती है तो वो कुछ ऐसे जगह पे माइग्रेट कर जाएंगे जहाँ पे गर्मी यानी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो एडवर्स फैक्टर्स एक्सट्रीमली क्लाइमेटिक कंडीशन को अवॉइड करने के लिए माइग्रेशन होता है। सेकेंड वजह अपनी फूड शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए कि यहाँ पे कम फूड है तो बी प्लेस पे चलते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। टू मैनेज शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए। टू हैव बेटर ब्रीडिंग कंडीशंस, अब देखो हर किसी का मेटिंग टेम्परेचर होता है, मेटिंग स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, अपनी मेटिंग सूटेबल कंडीशंस को ढूंढने के लिए वो माइग्रेट करते हैं बर्ड्स। उसके बाद लेस कॉम्पिटिशन फॉर सेफ नेस्टिंग प्लेस, सेफ नेस्टिंग प्लेसेस, लेस कॉम्पिटिशन फॉर सेफ नेस्टिंग प्लेसेस मतलब क्या है, ये कोई ए प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स जो है उन लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, एमिग्रेशन हो रहा है, बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब पहले यहाँ पे एक ही स्पीसीज थी बर्ड की, अब यहाँ पे 10 स्पीसीज है बर्ड की, तो अब इनके बीच में क्या है, कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा सेफ नेस्टिंग के लिए, कि यहाँ पे हम खुद को सेफ फील नहीं कर रहे तो किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये वजह है बर्ड के माइग्रेशन की। उसके बाद ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं यूपीएससी प्री के अंदर कि कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया के लिए बेनिफिशियरी है या कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, ये वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो विंटर के अंदर, विंटर सीजन में इंडिया में आते हैं। नाम नाम सिर्फ आप लोगों को नजरों में से निकालने हैं ताकि अगर ऑप्शन दिखे तो आपका दिमाग एकदम स्ट्राइक करे कि हाँ ये माइग्रेटरी बर्ड है। विंटर में कौन कौन से बर्ड इंडिया में आते हैं, साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, कॉमन टील, येलो वैगटेल, व्हाइट वैगटेल, नॉर्दर्न शॉवलर, रोजी पेलिकन, वुड सैंड पाइपर, स्पॉटेड सैंड पाइपर, यूरेशियन पिजन, ब्लैक टेल्ड गोडविट, स्पॉटेड रेड शैंक, स्टार्टलिंग ब्लू थ्रोट, लॉन्ग बाइल्ड पाइपेट, ये वो है जो विंटर कंडीशन में, जब इंडिया में विंटर होती है तब इंडिया के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं। और समर बर्ड कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, एशियन कॉइल जो समर में इंडिया में आते हैं, ब्लैक क्राउन नाइट हिरोन, यूरेशियन गोल्डन ओरियोल, कॉम डक, ब्लू चीक्ड बी ईटर, ब्लू टेल्ड बी ईटर या कुकू जिसको कहते हैं। तो समर बर्ड और विंटर बर्ड कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड हैं ये हमने देखे। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है इसी चैप्टर में, दैट इज वाइल्ड लाइफ डिजीज। वाइल्ड लाइफ डिजीज, वाइल्ड लाइफ की वजह से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं और किस किस एनिमल को खतरा होता है, कौन कौन एनिमल ससेप्टिबल है। देखो ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है और डियर, कैट, प्राइमेट्स और एलिफेंट एनिमल जो है ये ससेप्टिबल एनिमल्स हैं। एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेक्सिस से होता है, रेबीज रेबीज वायरस से होता है, फुट एंड माउथ डिजीज जो है FMD फुट एंड माउथ डिजीज वायरस से ही होता है, गौर, नीलगाय, चीतल, सांबर, याक इनके अंदर भी हो सकता है। रिंडरपेस्ट जो है ये माइक्रोबिली वायरस से होता है, ट्रिप्सोनामिया ये ट्रिप्सोनामिया वायरस से ही होता है, और टेक्सोप्लाज्मोसिस ये टेक्सोप्लाज्मा गोंडाई से ही होता है। ये सेम से नाम है, जो डिजीज के नाम है उन्हीं नाम के बैक्टीरिया या वायरस से ये बीमारियां हो रही है, ठीक है। सिर्फ आपको दिमाग में रखनी है ये बातें, आपको बहुत ज़्यादा क्रैम नहीं करनी है, सिर्फ पता होना चाहिए कि ये वाइल्ड लाइफ डिजीज है, ठीक है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस आ जाएगा आप सोचेंगे कि ये तो वाइल्ड लाइफ डिजीज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो एक वाइल्ड लाइफ डिजीज है, एंथ्रेक्स एक वाइल्ड लाइफ डिजीज है, रेबीज एक वाइल्ड लाइफ डिजीज है जो वाइल्ड लाइफ की वजह से होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो डॉग्स हैं उनके सलाइवा से रेबीज हो सकता है, तो बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ डिजीज हैं जिसको हमने यहाँ पे सिर्फ नाम आप लोगों को देखने हैं। इसके बाद स्पीसीज एक्सटिंक्शन, स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट क्यों होते जा रहे हैं, मतलब कि उनको थ्रेट क्यों होता जा रहा है। एक्सटिंक्शन इज कॉज्ड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, बहुत सारी प्रोसेसेस से एक्सटिंक्शन होता है। डिटरमिनिस्टिक प्रोसेसेस दैट हैव अ कॉज एंड इफेक्ट, एग्जांपल जैसे ग्लेशिएशन की वजह से हो सकता है, जैसे कहीं पे बहुत सारे ग्लेशियर्स थे, ठीक है, अब वो ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट करते जा रहे हैं, वो ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट करते जा रहे हैं। अब वहाँ के जितने स्पीसीज थे वो किस चीज़ के आदि थे, किस चीज़ की हैबिट थी उनको ग्लेशियर टाइप के एनवायरनमेंट में रहने की, लेकिन अब वहाँ से क्या हो रहा है, वो ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो पर्टिकुलर स्पीसीज थे, जो स्पेसिफिक स्पीसीज थे, उनकी लाइफ को थ्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ग्लेशिएशन एक वजह है स्पीशीज एक्सटिंक्शन की। ह्यूमन का इंटरफेरेंस जैसे डिफॉरेस्टेशन, एक फॉरेस्ट में मिलियंस ऑफ एनिमल्स रह रहे हैं लेकिन इंसान क्या कर रहा है, अपनी ज़रूरतों के लिए उस फॉरेस्ट को कट किए जा रहा है, डिप्लीट किए जा रहा है, और डिफॉरेस्टेशन जिसको नाम देते हैं, उस डिफॉरेस्टेशन के लिए बहुत सारे एनिमल्स का, बहुत सारे स्पीसीज का हैबिटेट लॉस हो जाता है। कुछ ऐसे प्रोसेस है, कुछ रैंडम इवेंट्स हो जाते हैं, मतलब एकदम से कहीं पे फ्लडिंग आ गई है, कहीं पे वेदर पैटर्न चेंज हो गया है एकदम से, जैसे अभी आप देख रहे होंगे साइक्लोन एम्फन आया हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कोई ऐसा इन्वेजिव एलियन यहाँ पे आ गया, मतलब किसी दूसरी जगह से कुछ ऐसी स्पीसीज आ गई है जो डोमेस्टिक, जो इंडिजिनस स्पीसीज है उनको हार्म कर रहा है।
कुछ ऐसी डिजीज फैल गई है पूरे एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने कैनाइन वायरस देखा होगा, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV, ये इसने बहुत सारे स्पीसीज को लॉस किया। इसी तरीके से बीच में बर्ड फ्लू फैला था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ऐसी डिजीज हैं जो पूरी स्पीसीज प्रजाति को एक्सटिंक्ट कर सकती है। द इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रोसेसेस विल ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन द साइज एंड डिग्री ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस ऑफ पॉपुलेशन। क्या कह रहा है कि जितने भी फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, ये कितना इफेक्ट करेंगे, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये ए स्पीसीज है, ये बी स्पीसीज है। एक ही स्पीसीज के जीन्स कुछ ऐसे हैं जो नए एनवायरनमेंट के अंदर भी खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए एनवायरनमेंट के अंदर, किसी एनवायरनमेंट के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता था, अब वहाँ पे कुछ सडन चेंज हुआ एनवायरनमेंट के अंदर और टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होने लगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक ही कुछ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऐसी थी कि वो 45 में भी खुद को एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्होंने अडेप्ट कर लिया 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को। लेकिन बी स्पीसीज क्या है, वो जैसे ही सडन चेंज हुआ टेम्परेचर के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर पा सके। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी वजह है कि कौन से फैक्टर कितना इफेक्ट करेंगे। ट्रेट्स दैट एडवर्सली इफेक्ट और इंक्रीज और स्पीशियस वल्नरेबिलिटी, ये यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कुछ वजह है जिसकी वजह से जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होती है, ठीक है। अब आगे देखो कॉजेज कौन कौन से एक्सटिंक्शन के, यहाँ से देख सकते हैं आप। कोई एस्ट्रॉयड ने स्ट्राइक कर दिया, मतलब पूरा एस्ट्रॉयड धरती पे आके गिरा और जितनी भी स्पीसीज थी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई। क्लाइमेट चेंज की वजह से, बेटर अडेप्टेशन कॉम्पिटिशन की वजह से, कि दो स्पीसीज हैं, एक ने तो अडेप्ट कर लिया खुद को, दूसरा अडेप्ट नहीं कर सका। लॉस ऑफ हैबिटेट की वजह से, यानी डिफॉरेस्टेशन कर दिया और सारा जो है हैबिटेट ही लॉस हो गया। इनवेजिव स्पीसीज, कुछ ऐसे स्पीसीज बाहर से आ गए, फॉरन स्पीसीज आ गए जो पूरी वहाँ की डोमेस्टिक वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी की वजह से, लैक ऑफ फूड की वजह से एक्सटिंक्शन हो सकता है। कोई डिजीज फैल गई उसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो सकता है। पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो सकता है। ह्यूमन प्रिडेशन, मतलब जो शिकारी होते हैं, जो हंटिंग करते हैं एनिमल्स की या स्पीसीज की, उनकी वजह से एक्सटिंक्शन हो सकता है। तो ये बेसिक से कॉजेज हैं एक्सटिंक्शन के। इसमें मैन मेड भी देख लिए हमने और हम लोगों ने आर्टिफिशियल, यानी मैन मेड भी देख लिए और नेचुरल भी देख लिए। चैप्टर 12 के अंदर जो हमको समझना था वो केवल इतना सा था। अब हम चैप्टर 13 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। पिछले सेशन में हमने क्या क्या देखा है इसमें, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, नहीं कैनाइन डॉग का वायरस नहीं है, रेबीज डॉग का वायरस है। देखो अभी हमने क्या समझा, बर्ड्स का माइग्रेशन, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन कौन से हैं इंडिया के, स्पीसीज क्यों एक्सटिंक्ट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो देखे, और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ डिजीज होती है उसको समझा है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना करना है। नाउ वी विल मूव टू चैप्टर 13, दैट इज प्लांट डाइवर्सिटी। 6th edition का चैप्टर 13 होगा, प्लांट डाइवर्सिटी में क्या देखना है वो समझते हैं। देखो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे कैसे हो रहा है। प्लांट का क्लासिफिकेशन बहुत छोटा छोटा डिफरेंस होता है, लेकिन प्री के अंदर गलत हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस। आप लोगों ने देखा होगा हर्ब क्या होता है, श्रब क्या होता है और ट्री क्या होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये देखिए। हर्ब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ प्लांट हूज स्टेम इज ऑलवेज ग्रीन। आप देखेंगे ये इस तरीके के कुछ हर्ब, यानी बहुत ही शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, 1 मीटर की हाइट से ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होगी और इनके जो स्टेम्स हैं ना वो ऑलवेज ग्रीन रहेंगे, ऑलवेज ग्रीन रहेंगे। जैसे आप लोगों ने मनी प्लांट देखा होगा, मनी प्लांट की जो टेंड्रिल्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उसमें कुछ वुडी स्ट्रक्चर तो आप देखते ही नहीं हो, वो जो स्टेम होता है वो हमेशा ग्रीन रहता है। मनी प्लांट आप लोगों ने जनरली घरों में लगा होगा, देखा होगा। जबकि अगर हम तुलसी की बात करें जो रिलीजियसली भी जुड़ी हुई है, आप वहाँ पे देखेंगे उनका जो स्टेम होता है उसमें वुड होता है ना, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का वुड होता है, लेकिन ट्री के कंपेयर में ये जो स्टेम है वो बहुत नैरो होता है, बहुत पतला होता है, विड्थ नहीं होती है और बहुत ज़्यादा दमदार भी नहीं होता है, ठीक है। तो तुलसी आप कह